हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। टुडे अगेन आई एम प्रेजेंटिंग ए न्यू एंड लेटेस्ट सेशन फॉर यू लवली पीपल, लेट्स डू इट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ्रंट वेरिएशंस। फ्रंट में हमें कैसे हम रशियन एयर में टेक्निक कैसे बना सकते हैं, हम कैसे फ्रंट शी में फ्रंट सेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल में एक सेक्शन लिया और बाकी के सारे बाल पीछे छोड़ दिए। ये सिर्फ हमारा ये फर्स्ट सेक्शन है सी शेप में, कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें और भी सेक्शन क्रिएट कर सकते हो, मैंने सिर्फ आपको एक सेक्शन क्रिएट करके दिखाया है। तो आप ये वाला सेक्शन इसकी देख देख के आप और सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। हमने क्या किया गाइस, सबसे पहले हमने सेक्शन लिया, देन उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद गाइस हमें क्या करना है, उसको ड्राई होने देना है स्प्रे को, ताकि वो ड्राई हो जाए अच्छे से और होल्ड हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, एक जूड़ा पिन से उसको होल्ड कर दिया, देन नीचे की तरफ लिया है स्प्रेड करते हुए उसको सी की शेप देंगे। इसमें अच्छे से स्प्रेड करेंगे, स्प्रे करेंगे जहाँ जहाँ आपको लगे। फ्रीजियर, छोटे छोटे फ्रीजियर को बिठाएंगे, स्प्रे करते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे आके आप लॉक कर सकते हो उसको, और इसके बाद अच्छे शेप क्रिएट कर सकते हो इसकी। अगर गाइज आप लोगों को प्लीज़ ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ऐसे ही आती रहे। ये देखिए गाइज, हमारा क्रिएट हो चुका है सी शेप में। ये देखिए गाइज, आप इसमें और भी सेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। अब गाइज हम सेकंड सेक्शन पे आ गए। अब हमें मल्टीपल सी सेक्शन में करना है। अब गाइज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्राउन एरिया को निकाल लिया आगे से, और जितने ही बाकी के बाल बचे हो आप इसमें रबड़ बैंड से टक कर सकते हो, या आप इसमें सेक्शन क्लिप से होल्ड भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बालों को आप इसमें हेयर स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको फ्रंट बता रहा हूँ आज। ये देखिए गाइज, हमने क्राउन एरिया निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी। ये आपको भी ऐसे ही क्राउन एरिया निकालना है अपने हेयर स्टाइल में। इसके बाद हमने क्या करेंगे गाइस, इसमें हम एक सेक्शन लेंगे, वर्टिकल में सेक्शन लेना हमने गाइस, ये बात ध्यान रखना आप। ये देखिए हमने फर्स्ट सेक्शन लिया, ये फर्स्ट सेक्शन लिया, देन इसके बाद इसमें भी हम वही सेम टेक्निक करेंगे जो हमने अभी सी सेक्शन में की थी, बट ये थोड़ी टेक्निक अलग है। ये हमने हल्का सा सी बनाना है, इसमें प्रॉपर सी बनाया था, इसमें हल्का सी बनाएंगे। ये हमने स्प्रे किया, इसमें पहले होल्ड कर देंगे इसको, जूड़ा पिन या जो आपके पास हो, जूड़ा पिन हो आपके पास, स्टीली क्लिप हो, चॉपस्टिक वगैरह हो आपके पास, आप उससे होल्ड कर सकते हो उसको, जैसे आप कंफर्टेबल हो जिससे आप होल्ड करो, ताकि क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए गाइस, हमने जूड़ा पिन लगाया, देन इसको भी अब क्या करेंगे, स्प्रेड कर दिया हमने। ये गाइस हमारा सेकंड सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में भी वही सेम टेक्निक फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया गाइस, स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद इसमें शेप देंगे, हल्की सी कर्व देंगे इसमें हल्का सा, देन इसके बाद हमने चॉपस्टिक लगा दिया, चॉपस्टिक से होल्ड कर देंगे। आपके पास जूड़ा पिन या स्टील क्लिप भी हो उससे भी आप होल्ड कर सकते हो। देन इसके बाद हमने क्या करना गाइस, जो बाकी ऊपर के बाल बचे हैं उसमें हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली लेयर है उससे, उस लेयर से हम ऊपर रखेंगे, ताकि मर्ज ना हो आपस में दोनों लेयर्स, तो इसके ऊपर रखनी है। ये ध्यान रखना, बहुत लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, बना तो लेते हैं फ्रंट से अच्छा बट क्या करते हैं कि सारे सेक्शन को मर्ज कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना गाइज, अगर फर्स्ट वाली लेयर हमारी नीचे है तो सेकेंड वाली उससे थोड़ी ऊपर रहेगी, थर्ड वाली उससे ऊपर, फोर्थ वाली उससे ऊपर। तो गाइज ये आपने करते हुए चलना है, ना कि बिल्कुल इक्वल करते हुए। ये देखिए गाइस, इसके बाद हम जिसमें जूड़ा पिन लगा देंगे बैक साइड की तरफ, जूड़ा पिन से होल्ड कर देंगे, ताकि पीछे से भी इसकी शेप प्रॉपरली आए, अलग से दिखे हमारी सारी लेयर्स। स्प्रे कर देंगे, छोटे छोटे फ्रीजियर को बिठा देंगे। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अगर गाइज आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइल्स ऑफिशियल, जाइए जाके हमें फॉलो कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। अगर गाइज आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, आप हमें इंस्टाग्राम पे थर्ड सेक्शन में भी हमने वही सेम टेक्निक फॉलो की है जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन में की थी। इसमें भी पहले हम वही कप देंगे, देन उसके बाद स्प्रे करेंगे, स्प्रे करते चले जाएंगे, देन छोटे छोटे फ्रीजियर को बिठाएंगे। उसके बाद हम ये गाइस, हमने देखो गाइस पीछे की तरफ से भी उठाना, हमने ध्यान रखना है, पीछे से भी शेप देनी है आपने।
ये गाइस हमारी लास्ट लेयर है, इसको आपको भी इसको भी बहुत केयरफुली से बनाना है आपने, क्योंकि हमारा इस ये मेन लेयर है, यही सारा हमारा लुक क्रिएट करेगी प्रॉपर इस वाली ब्रेड इस वाली लेयर्स का। देखो कर्व करेंगे हम, सबसे पहले इसको अच्छे से कर्व किया, देन स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद अच्छे से नीड थोड़ा नीड रखेंगे इसको, क्योंकि हमारा ये लास्ट वाला सेक्शन है। वैसे तो रखना सबको नीड ही है, बट लास्ट में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज ये वाला हमारा सारा पूरी लेयर को क्रिएट करेगा, इसको हेयर स्टाइल की शेप देगा प्रॉपर इसकी। ये गाइस स्प्रे करते हुए चले जाएंगे, आपको शेप देनी है अच्छे से, शेप देते हुए चले जाएंगे, स्प्रे करते चले जाएंगे, होल्ड होल्ड कर देंगे। ये देखिए गाइस हमारा ये लेफ्ट साइड से भी देख सकते हो आप, ये देखो एक एक लेयर्स आपको विजिबल हो रही होंगी अलग अलग, तो आपकी भी लेयर्स ऐसी ही आनी चाहिए, ना कि इक्वल आनी चाहिए, सारी लेयर्स एक एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए, ऊपर नीचे आनी चाहिए गाइस, इस बात का आप ध्यान रखना, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हेयर स्टाइल अच्छा बना देते हैं बट जो ये वेव होता है ये नहीं बना पाते। तो गाइस जितने भी अब जितने ही बाल बचे थे हमने सारे इसमें पीछे की तरफ से एक हमने बॉब पिन से टक कर दिया इसको। ये देखिए गाइस हमारा फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ओके बाय बाय।